राजस्थान सरकार आज युवाओं के लिए अपना पिटारा खुलकर खोल सकती है। यूथ को लेकर हर सरकार की पैनी नजर रहती है, ऐसे में अब की बार भजनलाल सरकार के पूर्णकालीन बजट में युवाओं को बड़ी राहत मिलने की भारी उम्मीदें हैं। आखिर क्या क्या मिल सकता है भजनलाल सरकार के बजट में युवाओं को, देखिए सपोर्ट। भजनलाल सरकार के बजट पर प्रदेश का हर वर्ग टकटकी लगाए बैठा है, तो युवा वर्ग भी इस बार बजट से बड़ी उम्मीदें लगा के बैठा है। भजन सरकार दावा कर रही है कि हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा किया जाएगा, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट में इस बार युवाओं के लिए घोषणा हो सकती है। बजट में भजनलाल सरकार नौकरियों का पिटारा खोल सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस बात के संकेत दिए थे, सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है, रोजगार के अवसर के लिए बजट में राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों संकेत देते हुए कहा था कि सरकार 20 लाख नए रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी, वहीं हर साल सरकारी और निजी क्षेत्र में 70,000 रोजगार मिलेंगे। माना जा रहा है कि यूथ पर फोकस के लिए राज्य सरकार का छात्रावासों पर भी पूरा ध्यान रहेगा। सरकार नए छात्रावास खोलने की घोषणाएं कर सकती है। इसके अलावा छात्रवृत्ति के लिए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं समाज के पुनरुत्थान के लिए भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए बजट में बहुत कुछ हो सकता है। आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार बजट से राहत दे सकती है। बहरहाल इस बजट में क्या कुछ होगा, कितना होगा, इसका पता तो बजट पेश होने पर ही चल पाएगा, लेकिन उम्मीद पूरी है और सरकार से विश्वास पूरा है कि बजट में यूथ पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।